दोस्तों एंड ई एच एम ई ग्रुप सी की वैकेंसी आ चुकी आ जी। ऑनलाइन बोर्ड हैगा जी अपलाई करने का 251 पोस्टा ने जी। बाकी ये संबंधित आप देखेंगे कि क्वालिफिकेशन कौन कौन एलिजिबल आ जी। तो वैसे तो प्लस टू बेस से भी वैकेंसियां है ने जी। तो पहला तो आप गल करते हैं जी 251 वैकेंसियां ने। तो जोड़े है जी फार्म भरने 31 मतलब दसंबर तो स्टार्ट आते लास्ट डेट है जी 20 जनवरी। तो मिनीम एज हैगी जी 18 साल तो बाद हैगी जी 27 साल। तो जी है जी एडवरटाइजमेंट 1-3-4-8 होगी जी वैकेंसी नंबर वो 27 साल एज हैगी जी वो जी है जी 2-5-6-7-9-10-11-12 इन 25 साल। बाकी एस सी एस टी 5 साल की ओबीसी 2-3 साल की छूट मिलती है जी। तो जोड़े कैंडिडेट आ जी कोई 10वीं बेस से वैकेंसी आ, कोई आई टी बेस से वैकेंसी आ, किस कोई प्लस टू बेस से वैकेंसी आ जी। तो 251 वैकेंसियां ने जी। आप डिटेल नोटिस से जाने जी तो मैं दिखा जी वो कि हैगी जी वैकेंसी। ये कलर्क की वैकेंसी हैगी, एम टी एस की वैकेंसी हैगी। पहला तो कलर्क की वैकेंसी आ जी, ठीक है जी। वो 27 वैकेंसियां ने टोटल कैटेगरी वाइज वैकेंसियां की वंड की गई है। नाल मतलब कि फिजिकल हैंडीकैप एक्सरसमैन भी हैगी जी। 18-27 साल आ जी। 7 पे स्केल के अकॉर्डिंग तुम तनखाह मिलेगी। इस पेंटर ड्राफ्टमैन मतलब कि फायरमैन सारी वैकेंसियां ने जी। टोटल मतलब कि 22 पोस्टा ने। तो जो मल्टीटास्किंग 18-25 साल ये 10वीं आ। बाकी जी मतलब कि आई टी आई वगैरह मंगी गई है कि 2 साल का एक्सपीरियंस वगैरह मंगया गया वा वो तुम दे सकते हो। तो ऑनलाइन मोड राही मतलब कि अपलाई तुम कर सकते हो। 21 दिन दिता गया टाइम, ठीक है जी। NDACIVRECT.government.in ये साइट है जी, तुम देख सकते हो। नहीं तो तुम फ्री जॉब जाके भी अलर्ट पर जाके भी कर सकते हो अपलाई। बाकी होर इंस्ट्रक्शन दिखाई ने जनरल तुम नोटिफिकेशन देख सकते हो। नोटिफिकेशन टैलीग्राम ग्रुप से पा देंगे जी। तो वैकेंसियां तुम देख सकते हो जी। तो जी प्लस टू की हैगी जी बेस से वैकेंसी है कलर्क की 18-27 साल एलिजिबल। बाकी टाइपिंग का टैसट होना जी 35 वर्ड पर मिनट। तो जेडे भी आ पेपर वैकेंसियां आई ने पेपर बेस से वैकेंसियां ने जी। पेंटर लिए मतलब कि प्लस टू तुम पास हो 2 साल का एक्सपीरियंस हो आई टी आई वगैरह की हो मतलब कि वो ट्रेनिंग वगैरह सर्टिफिकेट हो। ड्राफ्टमैन लिए प्लस टू जा चाहिए जी। तो ड्राफ्टमैन के आई टी आई वगैरह की होनी चाहिए आ। तो आई टी आई जी पेंटर वाली वो पेंटर के आई टी आई की होनी चाहिए आ। तो सिविलियन मोटर ड्राइवर जी ये प्लस टू की होनी चाहिए आ जी। तो सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस हैवी व्हीकल का तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो जो है जी। अगे भी जड़ियाँ है जी पेंटर दया पोजिशन सिनेमा कुक ब्लैक स्मिथ फायरमैन टैक्नीकल अटेंडेंट जे है ऑपर वाली है वैकेंसी इन्होंने मतलब कि तुम प्लस टू पास चाहिए आ। तो कई आने 10वीं पास ना एक्सपीरियंस तुम हरेक चाहिए वा। तो आ रही फायरमैन आदि ये मतलब कि चेस्ट वगैरह वेट वगैरह यद संबंधित हो चीज़ा होनी चाहिए हाइट वगैरह। बाकी मतलब कि प्लस टू पास होक्सपीरियंस हो क्योंकि फायरमैन का तुम्हें पता ही है जी कि ये भार वेट चैसट वगैरह सारा कुछ देखते हो जी। तो जो टैक्नीकल अटेंडेंट है जी बैक ये भी चाहिए तो मतलब कि यद सर्टिफिकेट वगैरह हो 10वीं तुम पास की हो वन जी का एक्सपीरियंस हो। तो साइकिल रिपेयर जोड़े है जी ये सर्टिफिकेट यदा हो मतलब कि 10वीं पास की हो तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो। तो जो मल्टीटास्किंग है जी ये 10वीं तुम पास होनी चाहिए हो कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं हैगी। 18-25 साल एलिजिबल है जी। तो इसके तुम रिलैक्सेशन मिलती वो बारे तो मैं दस चुकिया जी। बाकी ये ना फॉर्मेट भी दसे गए ने सर्टिफिकेट के तो जोड़ा भी कैटेगरी में कोई अपलाई कर रहा वो अकॉर्डिंग तरह सर्टिफिकेट बनया हो, ठीक है जी। क्योंकि बाद में कढ़ देंगे फिर तुम मुश्किल आँदी है। बाकी कोई एप्लीकेशन फीस के बारे गल नहीं की गई, मेरे अकॉर्डिंग तो सारा कुछ फ्री होगा जी अपलाई करना। सिलेबस दसया गया जी कि सू सिलेबस किदा का होगा, पेपर किदा का होगा जी, जैसे इंग्लिश मैथ साइंस ठीक है रीजनिंग वगैरह आऊगा। तुम सिलेक्शन प्रोसैस है जी, कई टाइपिंग टैसट है, टाइपिंग टैसट है नाल। तो वैसे पेपर सारे का है जी। तो पेपर से जो पास होगा कि डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगी उस तो बाद मेडिकल होगा, उस तो बाद जो टाइपिंग का टैसट है जी वे पेपर तो बाद हो जाऊगा, फिर तो बाद डीवी होगी मेडिकल होगा। उस तो जोड़ा भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा कट ऑफ के अकॉर्डिंग जिन्हें है वैकेंसियां तो उन्होंने ज्वाइनिंग लैटर मिलेगी जी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है जी, नैशनल डिफेंस अकैडमी के अंदर। बाकी तुम नोटिफिकेशन सारी चीज़ें देख सकते हो जी। तो आज सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दसे गए ये अकॉर्डिंग होना चाहिए जी। तो मैं बाकी जल्दी तुम्हें मतलब कि अपलाई करने की वीडियो भी देवगा। तो जोड़े मतलब कि कैंडिडेट प्लस टू पास आ जा 10वीं पास आ जी वो अपलाई कर भावें उन्होंने कोई एक्सपीरियंस हैगा ज नहीं है वो अपलाई कर सकते हैं। बाकी जी आई टी रिलेटेड है जी उन्होंने एक्सपीरियंस मंगया गया, बाकियों के नहीं मंगया गया।
ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆ ਜੀ ਪੁਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਆ ਪੁਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਸਭ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ।